आई एम तिवारी, क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फर्स्ट ही है। अब हम लेक्चर 2 में बेटा किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा जल्दी से, चार्ज क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जर्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर मटेरियल। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है किसी मटेरियल के पास, वो दूसरे मटेरियल को क्या करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। उसको हम क्या नाम देते हैं, चार्ज का नाम देते हैं। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये प्रैक्टिकली देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये आपस में एक दूसरे के पास ले आने पे इसमें कैसा फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था। ऐसे नेगेटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को दूसरे के पास लाने पे इसमें भी रिपल्सन लग रहा था, रिपेल कर रहा था एक दूसरे को। तो एक तो ये हो गया, प्रैक्टिकल करके देखा गया। दूसरा क्या करके देखा गया, अपोजिट चार्ज को, मीन्स पॉजिटिव चार्ज ले लिया और नेगेटिव चार्ज ले लिया, इसमें देखा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। ऐसे पहले नेगेटिव चार्ज ले लिया, बाद में पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसमें भी कैसा रहा था फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था दोनों में। तो यहाँ से दोनों जगह से एक चीज़ समझ में आया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यहाँ से क्या समझ में आया, सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। मीन्स सेम चार्ज होगा तो इन सेम चार्ज के बीच में हमेशा और हमेशा क्या क्रिएट होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट होगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, धकेलेगा। ऐसे नेगेटिव चार्ज को दूसरे के पास लेके आएंगे, ये भी एक दूसरे को कुछ फोर्स से दूर धकेलेगा। समझ में आ गया। तो सिमिलर चार्ज एक प्रॉपर्टी समझ में आ गया, सिमिलर चार्ज क्या होता है, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। ऐसे यहाँ पे समझ में आ गया अनसिमिलर चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स अनसिमिलर चार्ज होगा, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो इसमें कैसा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आएगा। कैसा फोर्स आएगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अब हम चार्ज के SI यूनिट के बारे में पढ़ना, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेटा SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। इसको हम किससे, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम होता है, इसे कैपिटल सी से। तो कूलम एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या बोला था, इफ टू चार्ज प्लेस्ड, सपोज दैट दिस इज द Q1 प्लस Q1 चार्ज एंड दिस इज द प्लस Q2 चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, देन द, आप समझ में आ गया होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज ये भी, तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा, एक दूसरे को कुछ फोर्स से धकेलेगा। तो कूलम ने क्या बोला था कि जो इस फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी आएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज मीन्स Q1 इंटू Q2 एंड ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, वेन कंबाइंड दिज इक्वेशन देन दिस इम्प्लाइज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है और इक्वल का सिंबल आता है तो एक कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। इक्वल टू मैंने लगा दिया और एक कॉन्स्टेंट को ऐड कर दिया इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको प्रैक्टिकली ये k की वैल्यू निकालेंगे कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होती थी। एफ इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने लेट ले लिया, लेट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम ले लिया बेटा, मैंने कितना ले लिया, 1 कूलम ले लिया, और डिस्टेंस इनके बीच का कितना ले लिया, 1 मीटर ले लिया। तो फोर्स कितना एग्जर्ट होने लगा, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होने लगा। मीन्स Q1 Q2 एक कूलम रख दूँ, 1 × 1 1 आएगा
और आर की वैल्यू मैंने कितना ले लिया, 1 मीटर ले लिया, तो 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, तो एफ़ की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। तो एफ़ की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो गया। तो कभी कभी आता भी है, खूब पूछा जाता है 10th में बेटा कि डिफाइन 1 कूलम को डिफाइन करो आप। तो 1 कूलम को डिफाइन करने के लिए खूब पूछा जाता है। तो 1 कूलम को डिफाइन क्या होता है बेटा, 1 कूलम, तो 1 कूलम को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो 1 कूलम इज दैट, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज which exert a force of 9 × 10⁹ newton when charge क्या होना चाहिए बेटा, यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी मीन्स 1 होना चाहिए, when charge is unity and placed at a distance of 1 meter, means 1 meter पे दो चार्ज 1 meter के डिस्टेंस पे रखे होंगे, और ये दोनों चार्ज कैसे होंगे, यूनिटी होंगे, तो उस पर फोर्स कितना आएगा, 9 × 10⁹ का आएगा। मीन्स 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच एग्जर्ट ए फोर्स 9 × 10⁹ व्हेन चार्ज इज यूनिटी एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मीन्स दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे होंगे, और चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम होनी चाहिए, तो उस पर फोर्स कितना आएगा बेटा, 9 × 10⁹ का आएगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सपोज दैट एक न्यूमेरिकल भी इसी पे लगाते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल लगाओ, एक न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं, हाउ मैनी सबसे पहले, इसके पहले न्यूमेरिकल लगाने से पहले, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, एक क्वेश्चन खूब पूछता है। तो बेटा मैं इसके लगाने से पहले मैं बता दूं आपको, प्रोटॉन के पास कितना क्वांटिटी होता है चार्ज का, प्लस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है। तो आपसे क्या पूछ लिया, 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, तब आपको पता है एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ में आ गया बेटा, 1 कूलम में, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 10⁻¹⁹ हो जाएगा अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन, इसको करेंगे हम 1/1.6 × 10⁻¹⁹ कितना हो जाएगा बेटा, 19, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 10/16 × 10⁻¹⁸, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। ठीक है ना, अब हम आपको सिखाएंगे किसके बारे में, व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा कंडक्टर और इंसुलेटर है, इसको हम लेक्चर 3 में सिखाएंगे।